शायद अपने आप को तनहा महसूस करते हो, जब आप पे कोई भरोसा नहीं करता, जब आप अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करते हो, जब आप पे कोई भरोसा नहीं करता, जब आपको लगता है कि आप दुनिया में आए क्यों, फिर आप तो गाइस आप जब किसी पे तनकीद करते हो ना, तो आपके अंदर इतना जिगरा होना चाहिए कि सामने वाला जब आपकी गलती पे आप पे तनकीद करे तो आप सुनो। अब आप हमेशा किसी को बोलते रहो कि नहीं जी आपने ये गलत करा, आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी चाहिए, आपको थोड़ा यहाँ से सही करना चाहिए, आपको थोड़ा वहाँ से खींचना चाहिए, वहाँ से सही करना चाहिए। अब जब सामने वाला आपकी गलती पे आपको बोले कि आपको भी थोड़ा फोकस करना चाहिए, आपका भी ध्यान यहाँ वहाँ भटकता रहता है, 12:30 बजे तक आप पता नहीं कहाँ घूम रहते हैं, लापता रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हाजी काली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मुजस्मा मोदी, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। जी जनाब, अच्छा मुझे सबसे पहले सब्जी कोठी बताएं क्या होता है, कैसा होता है सब्जी कोठी? ये होती है कि शार्क टैंक में ये बंदा आया था, यही सेम पर्सन, ये जो दिख रहा है यही होगा शायद, क्योंकि उसका जो आइडिया था उसका नाम भी सब्जी कोठी ही था। ठीक है उसने एक
इस तरह का बॉक्स बनाया है जिसके अंदर एक मशीन रखी है, उसने बताया है कि सब्जियां ख़राब क्यों होती हैं। क्यों होती हैं? सब्जियों से एक ऑक्सीजन या कोई चीज़ निकलती है और वही चीज़ जो है वो सब्जियों पे दोबारा पड़ती है जिससे वो गलना सड़ना शुरू हो जाती है, खराब हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि जो मशीन मैंने बनाई है सब्जियों से जो भी हीटअप वगैरह जो जो चीज़ होती है एक केमिकल होता है या कोई गैस होती है वो निकलती है ना, तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये उसको ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक। उसके बाद सब्जी आपकी जो सब्जी है वो कई दिनों तक कुछ दिनों तक सड़ेगी गलेगी नहीं, तो सब्जी कोठी से आपको ये फ़ायदा होगा। ये हमारा बड़े बड़े प्लांट्स में यूज़ हो सकता है और किसान की जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो और उसकी चीज़ें जो देख से दो दिन के अंदर सड़ गल जाती हैं तो वो सड़ने गलने से अच्छा, महफूज। इंटरेस्टिंग था क्योंकि मोदी जी जिस तरीके से जायजा ले ज़्यादा दिलचस्पी से दिलचस्पी से और जायजा ले रहे थे जिस तरीके से, तो मुझे उसी वक्त थोड़ा सा हुआ कि मैं जानूँ ये क्या चीज़ है। अच्छा, अंदर से शिमला मिर्च निकली तो मुझे आइडिया तो हो गया था सब्जियों को ही मतलब सेफ करने, सड़े ना और ख़राब ना हो इससे बचाने के लिए बनाया होगा। मुझे डीप फ्रीजर टाइप का कुछ लगा। पीयूष ने, अनीश ने इसको बड़ा डिग्रेड किया। अच्छा, डिग्रेड किया? नहीं, ये तो ऐसा है, ये कल इस तरह से हो तो ज़्यादा बेहतर है। मैं इसमें भी तो नहीं होता ना, मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ इसमें, मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ। तो ये है कि सब्जी कोठी वाला सेम ये चीज़ लाया था वो शार्क टैंक में। अच्छा, ये एक एग्जीबिशन लग रही है जिसमें हैंडीक्राफ्ट थी, चीज़ें थी, पेंटिंग्स थी और एक बहुत ही बड़ा मुजस्मा मोदी जी का ही लग रहा था 100%। जिस तरीके से उनकी ड्रेसिंग थी, जिस तरह से लगता है, क्योंकि करीब से तो हमने देखा नहीं, तो जो थोड़ा बहुत हमें लग रहा था वो मोदी जी का ही लग रहा था। नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, मुझे तो 100% वही लग रहा था। मैं मतलब से देखूं, दूर से देखूं मोदी जी को पहचान लेती हूं, टेंशन ना ले। मुझे तो टाइटल में दिख गए थे वो, मतलब हां जब वीडियो स्टार्ट भी करी थी थंबनेल में, थंबनेल टाइटल जो भी था, टाइटल में तो कुछ भी नहीं समझ में आया, हिंदी में था ना वो थंबनेल। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने वीडियो में जो भी देखा है वो सिर्फ देखा है, ना वॉइस ओवर थी ना ही सबटाइटल था, तो हमें जो लगा है कि एक एग्जीबिशन थी जिसमें मोदी जी ने विज़िट किया। अच्छा देखिए, एक अच्छी खासी एक एग्जीबिशन थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर अगर आते हैं, एक तो सबसे पहले मुझे लगता है इनके बहुत काम होते होंगे, इनका बिजी शेड्यूल होता होगा। हर जगह पर प्राइम मिनिस्टर हमें नहीं दिखता, हमारा वाला हर जगह नहीं होते, लेकिन ये एग्जीबिशन पे जाते हैं और ये आम लोगों से गपशप करते हैं। आप मुझे इतना बताएं उनकी कितनी हौसला अफजाई होती होगी, उन्हें कितनी खुशी होती होगी। अब जैसे आप ये कह रहे हैं कि सब्जी कोठी वाला आया था और इस तरीके से, अगर यही ब्रांड था या किसी और कोई और भी यही आइडिया लेकर आए थे हमें नहीं पता, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने उनको डिग्रेड करके कह दिया कि हम इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन डिग्रेड करके भी नहीं बोला, मैं मतलब मुझे और बेहतर, मतलब मुझे और बेहतर इस तरह से यूं करो तो बेहतर। हाँ, तो वही ना, इंटरेस्टेड नहीं थे वो, तो खैर वो वहाँ से चले गए होंगे। तो मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ वो एक प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ से चांस मिलता। अब आप देखें जरा, एक प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली आपसे इंटरेक्शन कर रहा है, आपकी चीज़ों को देख रहे हैं, आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उससे तो कई लाख गुना बेहतर यहाँ पे उनको एडवांटेज हो गया, हो सकता है, हो सकता है, और आगे पता नहीं किया भी हो ना भी किया हो, हमें इस बारे में नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से वो इंटरेस्टेड होकर देख रहे थे तो मुझे लग रहा था वाकई। अच्छा, सिर्फ इसमें ही नहीं, मैं ये कहूँगी जब इनके अंदर एक सलाहियत ये देखी मैंने, मेरे अंदर आदत है कि मैं जब एक काम करती हूँ तो मुझे बाकी दो तीन कामों की फिक्र रहती है। जैसे अब फॉर सपोज मुझे खाना बनाना है, फोकस के हवाले से आप, हाँ मैं बता रही हूँ आपको कि मुझे खाना बनाना है, तो फिर मुझे एक तरफ ये भी होता है कि जो वीडियोज़ हैं उनको डाउनलोड करना है, उस पर रिएक्शन देना है, वो काम भी करना है साइड में, फिर कहीं ना कहीं भी होता है पबजी भी खेलना है, तो मेरा ना दो तीन जगह माइंड उलझा रहता है। इनको मैंने देखा जहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, आपको मैं इनकी एकदम खासियत बता रही हूँ, क्वालिटी बता रही हूँ, प्रॉपर्टी बता रही हूँ, जहाँ ये प्रेजेंट होते हैं ये पूरे तरीके से वहाँ प्रेजेंट होते हैं। मैंने एक सेकंड के लिए भी इनको नहीं देखा कि ये इनका माइंड डाइवर्ट है, ये बिल्कुल गुमसुम है, या ये कुछ और सोच रहे हैं, या यहाँ पे मौजूद तो हैं लेकिन बस फिज़िकली मौजूद हैं, मेंटली कहीं और सोच रहे हैं, कहीं और दिमाग है, माइंड कहीं और उलझा हुआ, ऐसा मैंने कभी किसी वीडियो में नहीं देखा। कामयाबी की बहुत बड़ी निशानी है कि आपको अगर ज़िंदगी में आपने ध्यान लगाना सीख लिया, और इसके लिए आपको पता है कहीं कहीं प्रैक्टिस होती है, कहीं कहीं योगा की प्रैक्टिस होती है, मेडिटेशन होती है, ध्यान लगाना जिसने सीख लिया, फोकस करना जिसने सीख लिया अपने काम पे, उस वक्त जो कर रहे हैं सिर्फ वही कर रहे हैं। आपने वो देखा था स्वामी विवेकानंद की वीडियो जिसमें उन्होंने कहा था कि वो तीन तीन दिन तक मुसलसल पढ़ते रहे, उन्हें पता ही नहीं चला तीन दिन गुजर गए, डेट कौन सी हो गई, और एक वो पढ़ रहे थे तो एक किसी ने आके उनसे पूछा कि बराबर से बारात गुजरी है,
तो बोला मुझे नहीं पता बारात। अच्छा, बारात का मतलब होता है शोर शराबा, शराबा। और एक और वीडियो उसी में बताया गया था कि वो अखबार जो उड़ गया था वो देखे, इतने फोकस से पढ़ा, उनको कहते थे फोटोग्राफिक मेमोरी थी उनकी, बिल्कुल, कि वो दोबारा उन्होंने लिख कर दे दिया पूरा वर्ड टू वर्ड। आज आज देखिए इनका इतना बड़ा नाम है। तो ये आप जो कमी है, खामी है आपके अंदर, आप जब खाना बनाएं तो प्रॉपर फोकस के बनाएं, नमक की टेंशन ना दिया, आप नमक कितना डालें, मैं तो टेंशन तो नहीं देता। अच्छा, नमक के साथ कभी कभी चाइनीज सॉल्ट भी मैंने डाल दिया चाय के अंदर, यही था, डिफोकस थी। लो भाई। अच्छा, नमक कितना डालना है, चीनी दो दफ़ा नहीं डालनी है। चीनी दो दफ़ा डालनी है, आपको कैसे पता चला? मतलब फोकस नहीं होता तो ये गलतियाँ होती हैं ना, क्योंकि शायद नहीं डाली है मैंने, चलो डाल दे। नहीं जी, ऐसा नहीं हुआ था, सिस्टर ने डाल दी थी, उसके बाद मैंने उससे पूछा नहीं, मैंने भी डाल दिया कि, तो ये दो दफ़ा ऐसे डाल दी। बाद में कन्फ्यूज भी होता है कि डाली है या नहीं डाली, चलो डाल दो, चख लो, सिंपल, ठीक है ना। तो ये है कि फोकस से काम करें, बिल्कुल मोदी जी जिस, आप भी फोकस से काम करें। आप ऐसा होता है वीडियो अपलोड कर देते हैं, टाइटल नहीं बनाया, तो ये कितना बड़ा असल में डीफोकस नहीं होता, इसको कहते हैं कि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, असल में दो से तीन पेज खुले हुए थे तो वीडियो का टाइटल लिखा हुआ था, पड़े पड़े। लेकिन जब लिखो, अच्छा सबसे मेन चीज़ पता है दुनिया में क्या है? क्या है? जब आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को दुखी महसूस करते हैं, जब आप पे कोई भरोसा नहीं करता, जब आप दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने आप को तन्हा महसूस करते हो, जब आप पे कोई भरोसा नहीं करता, जब आप अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करते हो, जब आप पे कोई भरोसा अच्छा, नहीं करता, जब आपको लगता है कि आप दुनिया में आए क्यों, फिर आप तो गाइस, आप जब किसी पे तनकीद करते हो ना, तो आपके अंदर इतना जिगरा होना चाहिए कि सामने वाला जब आपकी गलती पे आप पे तनकीद करे तो आप सुनो। अब आप हमेशा किसी को बोलते रहो कि नहीं जी आपने ये गलत करा, आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी चाहिए, आपको थोड़ा यहाँ से करना चाहिए, आपको थोड़ा वहाँ से खींचना चाहिए, वहाँ से करना चाहिए। अब जब सामने वाला आपकी गलती पे आपको बोले कि आपको भी थोड़ा फोकस करना चाहिए, आपका भी ध्यान यहाँ वहाँ भटकता रहता है, 12:30 बजे तक आप पता नहीं कहाँ गुम रहते हैं, लापता रहते हैं, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जल्दी घर आना चाहिए, तो अब आप कहो नहीं जी आपको मुझे समझना चाहिए, मेरे साथ तो फला काम हो गया था, मेरे साथ तो ये हो गया था, मेरे साथ तो वो, मतलब अपने मामले में आपके पास 101 टॉपिक की बुक है, दूसरे के मामले में आपके तो नहीं, ये ऐसे भी हो सकता था, ये ऐसे भी हो सकता था, ये ऐसे 5 मिनट लेट हुआ तो कैसे हुआ, 10 मिनट लेट हुआ तो कैसे हुआ, सही बोल रही हूँ ना? इस पर किताब लिखेंगे नाचाकियाँ। तो खैर दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत ही ज़बरदस्त राज फाश। दोबारा किसी और विषय आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।